नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। दिल्ली दंगे में जो मासूमों की मौत हुई है, जिन मासूमों की हत्याएं हुई हैं, पूरे दिल्ली को तहस नहस किया गया, तिरंगे को अपमान किया गया, ऐसे गुनहगारों को आज दिल्ली पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया है। दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत, देवेंद्र यादव समेत 300 लोगों को उठा लिया है और इन लोगों पर लाठियां भांजी जा रही हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं। जी ऐसा बड़ी खबर आ रही है, 300 लोगों पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा तांडव शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे लोगों को नंगा कर करके मारा है, उसकी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाऊंगा। क्योंकि जो कुछ इन्होंने किया है, जो कुछ इन्होंने कल किया है या कराया है, वो माफी योग्य नहीं है। और सबसे पहले सबसे खास और सनसनीखेज खबर भी दिखाता हूं कि योगेंद्र यादव ने कबूलनामा भी किया है। कल का जो खून खराबा हुआ, कत्लेआम हुआ, जो दंगा फसाद हुआ, जो तिरंगे का अपमान हुआ, उस सब की जिम्मेदारी योगेंद्र यादव ले रहा है। आम आदमी पार्टी का ये नेता ले रहा है और राकेश टिकैत ले रहा है। राकेश टिकैत आज एक्सपोज हो रहा है और योगेंद्र यादव कबूल कर रहा है कि हाँ, उसी ने सब कुछ कराया है, उसी ने सब कुछ किया है। जब पुलिस की लाठी पड़ी है, जब पुलिस ने नंगा कर करके मारा है, जब पुलिस ने इसकी ठुकाई की है, तो उस बहुत कुछ सामने आया है। मैं चाहूंगा कि इस पूरी खबर पर अपनी राय दें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए देखना जरूरी है। जो लोग सवाल खड़े करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। जो किसानों के हमदर्द हैं, माफ कीजिएगा, किसानों के नहीं, किसान तो हमारे पालनहार हैं, हमारे देवता हैं, हमारे जीविका चलाने वाले भल मानुष हैं। ये जो खालिस्तानी हैं, इनके जो हमदर्द हैं, इनके लिए भी ये वीडियो बहुत बड़ा तमाचा है। चलिए पहले हम आपको बताते हैं, 300 लोगों पर पुलिस ने 300 लोगों को पुलिस ने उठा लिया है और 200-250 लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। लगातार FIR हो रही है, लगातार लोगों को उठाया जा रहा है, जिसमें बड़े नाम भी हैं। बड़े नामों में सबसे बड़ा नाम राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव हैं, जिन पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू की है। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड के नाम पर देश की राजधानी में कथित किसानों के हुड़दंग, हिंसा, बवाल की कलंकित करने वाली घटनाओं से पूरा देश हैरान है। बवाल के बाद अब किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं के सुर भी बदल गए हैं। वे अपने बयानों में हुड़दंगियों से किनारा कर रहे हैं। एक निजी चैनल के, माफ कीजिएगा, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों के ट्रैक्टर परेड में मंगलवार को जो कुछ हुआ, उससे वह शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि प्रदर्शन का हिस्सा होने के नाते में हमसे जो चीज़ें हुई हैं, उनसे मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा कि हिंसा किसी भी आंदोलन पर गलत प्रभाव डालती है। मैं इस समय नहीं कह सकता कि यह किसने किया, किसने नहीं किया, लेकिन पहली नज़र में जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। जी हाँ साहब, बड़ी खबर है कि योगेंद्र यादव ने अपना गुनाह कबूल किया और इस पूरे साजिश पर अपना बयान दिया कि जो कुछ हुआ, उसके जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूं। यादव ने यह भी कहा कि मैंने लगातार अपील की कि तय किए गए रूट पर ही चलें और इससे न हटें। यदि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे किसानों ने, आंदोलनकारियों ने अपना रूट बदल दिया। गणतंत्र दिवस के अंदर आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शनकारी बैरियर तोड़ते हुए लाल किला पहुँच गए और उनकी प्राचीर पर, इस स्तंभ पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया जहां भारत का तिरंगा लहराया जाता है। राजपथ से लाल किला तक हजारों प्रदर्शनकारी कई स्थलों पर पुलिस से भिड़े, इसमें दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अराजकता का माहौल है। दिल्ली में कल मेट्रो स्टेशन बंद पड़े थे, कई बस अड्डे बंद पड़े थे, कई मेट्रो स्टेशनों को तोड़ फोड़ दिया गया है। लाल किले में, पूरे लाल किले की जो जहाँ टिकट काउंटर, उसको तोड़ दिया गया। CISF की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। CISF की और दिल्ली पुलिस की गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई। पूरे लाल किले पर तबाही मचाई गई और इस तबाही के जिम्मेदार वही लोग हैं जो 2 महीने से खड़े थे, जिनको लोग मासूम किसान कह रहे थे, जिनको कुछ देशद्रोही, कुछ दोगले चेहरे जिनको मासूम किसान कह रहे थे, भोले भाले किसान कह रहे थे। इन भोले भाले किसानों ने तिरंगे को ही हटा दिया। ये कितने मासूम हैं कि इन्होंने तिरंगे को हटा दिया। तिरंगे को लगाने के लिए भी कहीं भी गाड़ने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए और उखाड़ने के लिए भी आतंकी चेहरा चाहिए।
क्योंकि कल जो तिरंगा उखाड़ा गया, हटाया गया, उसके लिए एक आतंकी चेहरा चाहिए, जो कल आतंकी चेहरा देखने को हमें मिला, कल सबके सामने वो आतंकी चेहरा देखने को मिला जो कल दिल्ली में इन फर्जी किसानों ने दिखाया। इतना बड़ा अपमान आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ, तिरंगे का इतना बड़ा अपमान, वो भी लाल किले से। लाल किला, इंडिया गेट, ये वो धरोहर हैं देश की जो हमारे विजय गाथा को दिखाती हैं। चाहे 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, इस दिन या साल के 12 महीने 365 दिन इन जगहों पर तिरंगा बड़े शान से फहराया जाता है और फहराता रहता है। लेकिन कल यहाँ पर तिरंगे को उतार दिया गया और कल का दिन बहुत ही खास दिन था, उस दिन को नहीं बख्शा गया। अगर ये सच्चे किसान होते तो कहते कि हम आज जो है गणतंत्र दिवस मनाएंगे, आज हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, आज हम भी देश के इस राष्ट्रीय पर्व में शामिल होंगे और हम 26 जनवरी को छोड़कर 27 जनवरी को फिर से आंदोलन करेंगे। लेकिन इन्होंने गणतंत्र दिवस को मनाने की बात तो दूर की बात है साहब, इन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन को ही चुन लिया अपना तांडव दिखाने के लिए। अब ऐसे राकेश टिकैत जैसे नेताओं को, योगेंद्र यादव जैसे नेताओं को, जिन्होंने इतना बड़ा तांडव किया, ऐसे नेताओं पर अगर पुलिस लाठियां भांजती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कुछ जो बड़े नाम हैं जिन पर FIR दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ने सरवन सिंह पंडेर, सतनाम सिंह पन्नू के खिलाफ FIR दर्ज की है। बता दें मामले में किसान नेता भी उन लोगों की पहचान कर रहे हैं जो हिंसा में शामिल थे। पुलिस ने मामले में साजिश रचे जाने पर केस दर्ज किया था। बता दें कि 1 फरवरी को किसानों ने संसद मार्च की भी योजना बनाई है। 1 फरवरी को किसानों ने संसद मार्च, लाल किला पर इन्होंने तो जो तांडव किया, अब उसके बाद 1 फरवरी को ये संसद पर हमला करने वाले हैं। अगर अब जो है पुलिस ने इन पर सख्ती नहीं बरती, अगर अब अमित शाह ने अपना एक्शन नहीं दिखाया तो संसद भी दूर नहीं है। दिल्ली दूर नहीं थी, अब संसद भी दूर नहीं है। दिल्ली में घुस चुके हैं, इन्होंने लाल किले पर तिरंगा हटा दिया है, अब संसद पर इनकी अगली चढ़ाई है। और अगर अब दिल्ली पुलिस ने सख्ती से अपना रुद्र रूप नहीं दिखाया तो फिर कोई नहीं बचेगा। 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 70 के आसपास बैरिकेड तोड़े गए हैं, कई दर्जन बसों को तोड़ दिया गया है, 6 पुलिस के वाहनों को तोड़ फोड़ दिया गया है, CISF की कई गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं, पूरे लाल किला के ऑफिस को तहस नहस कर दिया गया है। मतलब साफ है कि अब अगला टारगेट इनका संसद भवन है तो कुछ बड़ा होने वाला है। वो संसद पर हमला करने की फिराक में है, इसका मतलब साफ है कि अभी भी इनके हौसले बुलंद हैं। इनके हौसले तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्री को, मोदी सरकार को और केंद्रीय एजेंसियों को सख्ती से निपटना होगा। इनके साथ वही बर्ताव करना होगा जो हम एक आतंकी के साथ करते हैं, जो एक हम क्रिमिनल के साथ करते हैं, जो एक हम गुंडे के साथ करते हैं, वही इनके साथ भी करना होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करते हैं तो दुनिया में सच्चाई सबके सामने जाती है और लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि जो कल कुछ हुआ वो गलत था। किसानों के भेष में ये गुंडे थे, ये क्रिमिनल थे, ये खालिस्तानी थे जो दिल्ली में घुसकर तबाही मचाए हैं, दिल्ली को नुकसान पहुंचाए हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत की धड़कन है, भारत का दिल है, भारत के दिल पर चढ़कर इन्होंने जो तांडव किया है वह माफ़ी योग्य नहीं है। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें TV पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।